हरि ओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और उसमें भी अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण कल से हमने शुरू किया था। उसमें पहला पाठ देखा जिसमें ज्ञान शब्द की सातों विभक्तियों और संबोधन में क्या रूप बनता है, ये सभी 21 प्रत्ययों को लगाकर हमने कल सिद्ध किया। अब ज्ञान शब्द के बाद अंत में क्या बताया था, पुनस्तद्वत शेषम पुंवत, ये पूरा हो गया था, पर मैंने बता दिया था एवं धन वन फलादय। एवं यानी उसी तरह, उसी ज्ञान शब्द की तरह ही धन वन फल इत्यादि शब्द भी चलेंगे। कौन से शब्द? धन वन फल, ये तीन शब्द दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं लेखनी जी कहां गई। एवं धन वन फलादय, तो उसी तरह के जो शब्द के रूप चलते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं? धन शब्द है, वन शब्द है और फल शब्द है। ठीक है, तो जैसे अब ज्ञान का ज्ञानम बन गया था, तो धन का धनम, वनम का वन का वनम, फल का फलम कैसे बन जाएगा? पहले सु होगा, सु को अम अतोम और अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर धनम वलम वनम फलम इत्यादि। और धने वने फले कैसे बनेगा? औ के स्थान पर शी हो जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा? औ नपुंसकाच, नपुंसकाच से औ के स्थान पर शी हो जाएगा, शी का बचेगा ई और बन जाएगा धन ई। भसंज्ञा और भलोप करने लगेंगे लेकिन औंगश्याम प्रतिषेधे वाच्या से निषेध हो जाएगा और गुण करके ज्ञाने की तरह धने वने फले। ठीक, ज्ञानानी की तरह धनानी वनानी फलानी, ये सारी प्रक्रिया जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में लग रही है वो लगभग सभी शब्दों में लगेगी, तो अभी ना देखते हैं, आगे ही चलते हैं। ज्ञान धन शब्द की धन वन फल इत्यादि शब्द बना ही लेंगे ज्ञान शब्द की तरह ही। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, तो धनम धने धनानी, फलम फले फलानी, वनम वने वनानी, फिर उसी द्वितीय में भी वही के वही रूप रहते हैं। फिर बाकी तृतीय से आगे तो पुल्लिंग शब्द की तरह, धनेन रामेण की तरह, धनेन धनाभ्याम धने, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य, धना धनाभ्याम धनेभ्य, धनस्य धनयोः धनानां, धने धनयोः धनेषु, हे धन हे धनौ हे धना, हे धने हे धनानि, है ना, हे धन हे धने हे धनानि। नपुंसक लिंग में भी धन धना धनानि वैसे बनता। तो चलिए, ये धन वन फल हो गया। फिर उसके बाद हमने शब्द एक देखा था सर्वम सर्वे सर्वाणी, खाली इसे बन जाएगा ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी की तरह, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। ठीक है, बाकी सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पुंवत् शेषम पुंवत्, शेष पुल्लिंग की तरह रहेगा। प्रथमा द्वितीया में कोई सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप जो यशस्वी होना था वो यशस्वी, सर्वनाम संज्ञक शब्दों के बाद आने वाले जस के स्थान पर शी होता है, लेकिन नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले जस के स्थान पर ह्रस्व वाला हो जाता है। ठीक, और शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, इसलिए नपुंसक लिंग शब्द होने के कारण उसको वरीयता दी जाएगी। कौन से को? यशोह शी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सर्व शब्द को दिया नहीं, पहले डतर सर्व विश्व उभय डतर, सर्व विश्व उभ उभय, ये चार को छोड़ दिया, सर्व सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, विश्व विश्वम विश्वे विश्वानी, विश्वम विश्वे विश्वानी, और बाकी सब पुल्लिंग की तरह। उभ उभ शब्द का केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है, तो उभे उभे उभाभ्याम उभाभ्याम उभयो उभयो। ठीक, डतर इत्यादि शब्दों से लेकर, अच्छा डतर का मतलब क्या था? डतर एक प्रत्यय है, डतर डतमौ प्रत्ययौ, बताया गया था ना कि डतर और डतम ये दो प्रत्यय हैं। कहां किस सूत्र में यह चर्चा आई थी? सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र में। सर्व इत्यादि जो 35 शब्द हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है, उन सर्व इत्यादि जो 35 शब्दों में डतर प्रत्यय वाला भी आया था, डतर वाली वाला विषय भी आया था ना, डतर डतम अन्य अन्यतर इतर, ये 5 शब्दों को पकड़िएगा इस सूत्र में। अच्छा आ गया ये सूत्र जी, बस रुक जाओ, हाँ यहाँ इस सूत्र में जो ये आप सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र में आप पकड़िएगा किसको, इसको
अदड्डतरादिभ्य पंचभ्यः में आपको पकड़ना है किसको, डतरादिभ्यः, देखिएगा डतरादिभ्यः पंचभ्यः, डतर इत्यादि जो पांच बताए गए थे। अब आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र को निकाल कर देखेंगे तो डतर इत्यादि जो पांच दिए गए थे उसकी वृत्ति में, मैं यही बता दे रहा हूं, डतर डतम अन्य और फिर उसके बाद अन्यतर और फिर इतर, ये सब डतर इत्यादि पांच शब्द हैं। पर इनमें से पांच शब्दों में जो शुरुआती दो हैं वो दो प्रत्यय हैं, डतर और डतम, ठीक। इन दोनों प्रत्ययों प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या, प्रत्ययों की संज्ञा यदि कोई हो रही हो तो प्रत्यय की संज्ञा नहीं होती, प्रत्ययांत की वह संज्ञा होती है। तो डतर और डतम की संज्ञा नहीं हो रही सर्वनाम संज्ञा, किसकी हो रही है, डतर और डतम प्रत्ययांत की हो रही है, डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द से। तो डतर डतम ये दो प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हो, या अन्य शब्द हो, या इतर शब्द हो, या अन्यतर हो, या इतर हो, ठीक। ये पांच शब्द हो, डतर इत्यादि पांच शब्द, तो उनके बाद आने वाले सु और अम के स्थान पर अद्ध हो जाता है। क्या अद्ध, देखिए क्या है ये लिख दीजिए, अ द अद्ध अद्ध दतरादिभ्य पंचभ्या, देख लीजिए अद्ध दतरादिभ्य पंचभ्या, ठीक है। तो इतनी बात स्पष्ट है। तो अब होगा क्या, अद्ध हो गया, डतर इत्यादि पांच शब्दों के बाद आने वाले, अच्छा अद्ध दतरादिभ्य पंचभ्य यह जो सूत्र दिखाई पड़ रहा है, इस सूत्र से पहले आपको समोर नपुंसकात से समोह की बात चल रही है, किसकी समोह की बात चल रही है ना। तो सु और अम के स्थान पर, किसके स्थान पर, सु और अम के स्थान पर अद्ध जो हो अद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है अद्ध, यदि वह सु और अम डतर इत्यादि पांच शब्दों के बाद लगे हुए हों तो, ठीक। यदि वह सु और अम डतर इत्यादि पांच शब्दों के बाद हों तो, चलिए प्रक्रिया से देखते हैं। मान लीजिए डतर शब्द को देखिए, पर यह कब, नपुंसकात भी होना चाहिए, नपुंसकात समर नपुंसकात पूरी अनुवृत्ति आती है, तो नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले सु और अम, अच्छा नपुंसक लिंग में कौन सा हो, डतर इत्यादि पांचे शब्द हो, डतर हो या डतम हो, या डतर प्रत्यय लगकर बना हुआ कतर, या डतम प्रत्यय लगकर बना हुआ कतम, या डतर और डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं, तो डतर या डतम प्रत्यय लगकर कतर और कतम जो शब्द बना वो शब्द हो, या इतर शब्द हो, अन्यतर शब्द हो, और अन्य शब्द हो, ये पांच शब्द, ठीक, कतर कतम अन्य अन्यतर इतर, ये पांच शब्द हो नपुंसक लिंग में हो, और उनके बाद सु और अम प्रत्यय लगा हुआ, कई बातें बता रहा है, पांच यही शब्द होने चाहिए, उसके बाद प्रत्यय सु या अम होना चाहिए, और शब्द ये पांच ये जो हैं वह नपुंसक लिंग होने चाहिए, ठीक। तो अद्ड हो जाता है सु और अम के स्थान पर, सु और अम के स्थान पर अद्ड कर लेते हैं, देख लीजिए, जैसे एक शब्द है पांचों एक साथ लेके चलते हैं, पांचों एक साथ लेके चल देना तो ज्यादा आसान रहेगा। पहले अब देख लेते हैं, तब तक वो जब तक खुल रहे हैं तब तक इधर वो तो पढ़ ही चुके आप, ठीक। नो आ जाइए, यहां देखिए डतर प्रत्यय लगकर मान लीजिए बना हुआ है कतर, फिर एक शब्द है कतम, एक शब्द है, या एक साथ ही लिख देते हैं कतम अन्य, ठीक, या अन्य पढ़िएगा अन्य, अब जो कोई ना पढ़ने लगे इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूं इसको अन्य, फिर उसके बाद अन्यतर, और फिर उसके बाद एक शब्द है
इतर, ये चार शब्द एक जगह रख देते हैं, बाकी एक शब्द को ही सिद्ध करेंगे, बाकी चारों वैसे ही देखते चलेंगे। ठीक, तो कतर शब्द है, डतर प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द। इस शब्द से जब हमने सुप्रत्यय लिया, इस शब्द से जब हमने कौन सा प्रत्यय किया, सुप्रत्यय किया, तो क्या बन गया, थोड़ा सा इधर खसका देते हैं, तो कतर के बाद बन गया सु या फिर अम। सु और अम दोनों एक जैसे ही रहते हैं नपुंसक लिंग में, तो एक साथ बना लेते हैं। कतर शब्द के बाद सुप्रत्यय लगा या अम प्रत्यय लगा, इसी तरह आप इन चारों के बाद भी लगा लीजिएगा। डतर हो, कतम हो, मतलब डतम प्रत्यय लगकर बना हुआ कतम शब्द हो, या अन्य शब्द हो, या इतर शब्द हो, या अन्यतर शब्द हो, इन सबके बाद भी सु और अम प्रत्यय लगा लेंगे तो क्या होगा, वो आप स्वयं सोच लीजिए। तो जो यहां हो रहा वो वही होगा, ठीक है। अदरादिभ्य पंचभ्य सभी जगह काम कर। तो पहले तो समोर नपुंसकात, समोर नपुंसकात जी आए, कहे कि सु और अम यदि नपुंसक लिंग शब्द के बाद आ रहे हो तो उनको गायब कर डालिए, ठीक। लेकिन तभी अतोम आया, अतोम कहा ये अकारांत शब्द के बाद सु और अम आ रहे हो नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग के बाद सु और अम आ रहे हो तो उसके स्थान पर अम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन तभी अदरादिभ्य पंचभ्य ने कहा कि डतर इत्यादि पांच शब्दों के बाद तो सु और अम को अम नहीं हो पाता, उस सु और अम के स्थान पर अदड हो जाता है। क्या हो जाता है, अदड। हलंतम से इस ड की संज्ञा होगी, हलंतम से किसकी संज्ञा होगी, ड की संज्ञा होगी, तब से लोप से लोप हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, कतर अद, यह कतर पूरा है र, ठीक है, कतर अद स्पष्ट है, अदरादिभ्य पंचभ्य से कतर अद हो गए। अब यह जो अद आदेश हुआ सु और अम के स्थान पर, सु होता तो भी अद होता, अम है तो उसके स्थान पर भी अद हो गया, ठीक। अब यह जो हुआ उसमें ड की संज्ञा हुई कि नहीं, हलंतम से ड की संज्ञा हुई, यानी यह जो अद प्रत्यय है था वह अब हम ऐसा कह सकते हैं डित है, डित है कि नहीं, ड की संज्ञा वाला है। अच्छा, ड की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तो क्या होता है, वह आप यहां देखिए, ये नियम लग जाता, टे, छोटा सा ही काम है, सूत्र है टे, एक हिसाब से देखा जाए तो दो अक्षर का, एक हिसाब से देखा जाए तो तीन अक्षर का, अयोग वाह भी गिन लिया जाए विसर्ग, ट ए ह विसर्ग, ट ए विसर्ग, ये तीन वर्ण संयुक्त तो जो है टे सूत्र है। टे क्या कहता है, टेह सूत्र जो है इसके प्रसंग को 6.4.143 को जब आप निकालेंगे तो आपको यहां पर कहीं से डीति की अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ेगी। भस्य का अधिकार चल ही रहा है और फिर कहां से 6.4.142 डीति की अनुवृत्ति 142 से ही आ रहा है ना, 6.4.142 से डीति की अनुवृत्ति आ रही है और भाष्य की अनुवृत्ति कहां से आ रही है, देख लीजिए भाष्य का अधिकार ही चल रहा है पूरा 129 से ना, तो भाष्य और डीति। अच्छा, कहीं से लोपा की भी बात चल रही है, अल्लोपोना, अल्लोपोना, ठीक, तो अल्लोपोना से लोपा की बात चल रही है, बस बन गया है सूत्र। प्रसंग क्या आ रहा है आप समझ लीजिए, लोप का प्रसंग आ रहा है अल्लोपोनः सूत्र से और पूरा सूत्र हो गया वृत्ति। देख लीजिए यहां शर्त क्या है, डित प्रत्यय पर में हो, कैसा प्रत्यय, डित का मतलब क्या है, ड की इत्संज्ञा वाला, ड की इत्संज्ञा वाला प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो ध्यान दीजिएगा, ड की संज्ञा वाला प्रत्यय तुरंत पर में हो तो भ संज्ञक के टी का लोप होता है। अब क्या है भ, क्या है टी,
है ना। अब भट्टी, ये देख भट्टी, ये भ आप जानते हैं, यचि भम। अब बताइए, कतर शब्द के बाद यदि अद अद ड ऐसा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अद ड प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है कि नहीं, है ना, पहला वर्ण स्वरवर्ण अद ड। ऐसी स्थिति है, समझ लीजिए, यहां मैं वो उस स्थिति को फिर से लिख देता हूं। कतर कतम इत्यादि में से कोई शब्द है, उसके बाद जो प्रत्यय लगा हुआ था सु या अम, उसके स्थान पर अद ड हो गया, अद बचा। अब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो उससे पहले आने वाले की यचि भम सूत्र से भ संज्ञा हो जाती है। यानी इस नियम के आधार पर आपको पता चला कि यह कतर जो है यह भम है, भ संज्ञा है कि नहीं। ऐसा शब्द जिसके बाद लगे हुए सु आदि असर्वनाम स्थान प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो, वह उससे पहले लगा हुआ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह है भ। तो ये लगा सु आदि प्रत्यय, असर्वनाम स्थान प्रत्यय, उसका पहला वर्ण स्वरवर्ण, तो उससे पहले जो कुछ भी लगा हुआ है वह भा है, तो भा संज्ञा है। स्पष्टतया सबको पता चल रहा है ना भा संज्ञा, तो भा संज्ञा। चलिए यहां तक तो पहुंच गए। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिएगा। तो भा संज्ञा के बाद यदि डित प्रत्यय लगा हुआ, कौन डित प्रत्यय लगा हुआ हो, तो डित से पहले यदि भ आ रहा हो, ये रहा डित प्रत्यय, ड की संज्ञा हुई है, अद अद ड की संज्ञा हुई ना, ये रहा डित, डित से पहले भ आ रहा है, डित से पहले भ आ रहा है कि नहीं, भ आ रहा है, तो डित से पहले ये रहा भ। इस भ के टेह लोपः, टेह लोपः, टी का लोप कर दीजिए, कतर में जो टी दिखाई पड़ रहा है ना उसका लोप कर दीजिए। अब इसका कुछ लोग दूसरे अर्थ लेंगे, कतर देश में हो सकता है किसी को चाय पीने को मिल रहा हो तो वह कतर देश की टी लेने लगेंगे पर वो व्याकरण वाली कतर है, कतर देश की बात नहीं चल रही है। और टी जो यहाँ है वह टी क्या है, आप पहले अचोन्त्यादि टी सूत्र में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी क्या कहता है, कहता है कि शब्द के अंतिम स्वर वर्ण से शुरू कीजिए, शब्द के अंतिम स्वर वर्ण से शुरू कीजिए, जो कुछ भी मिल जाए उसको टी कहा जाता है। तो कतर में पहला स्वर अ, फिर क अ त अ र अ, ऐसा है ना कतर, तो अंतिम स्वर वर्ण क्या है, अ है कि नहीं, अंतिम स्वर वर्ण अ है, वहीं से शुरू करिए तो टी खाली मिला अ, टी क्या हुआ अ। अगर मान लीजिए ही राजन शब्द होता तो टी हो जाता अन, अंतिम स्वर से शुरू करना है, जो कुछ भी मिल जाए, हो सकता है एक वर्ण मिले, हो सकता है दो वर्ण मिल जाए, तो अंतिम स्वर वर्ण से शुरू किया हमने, किया ना, फिर जो कुछ भी मिला वह क्या है, वह यह जो कतर दिखाई पड़ रहा है ना, इसका अंतिम वर्ण अ दिखाई पड़ गया आपको, टी, टी संज्ञक का यानी इस आ का लोप हो जाएगा यदि वो भ संज्ञक रहा हो, तो ये रहा भ संज्ञक था, उसके बाद डित प्रत्यय लगा हुआ हो, तो डित प्रत्यय लगा हुआ है, तो कतर अद बन गया, कतर अद जोड़ देने पर क्या बन गया, कतरद बना ना, वावस आने से इसको विकल्प से त भी कर सकते हैं, तो कतरत भी बन सकता है, यानी इसको ऐसे दो रूप बनेंगे, कतरद और वावस आने से जब विकल्प से चर्त्व कर देंगे तो कतरत बनेगा, कतरद कतरत, ये दो रूप बन गया। वावस आने क्या कहता है, यदि उसके बाद कोई वर्ण ना हो, वर्णों का अभाव हो, अवसान हो, तो किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन दिखाई पड़ रहा हो, उस वर्ग का पहला व्यंजन उसके स्थान पर कर सकते हैं। तो ये रहा तवर्ग का तीसरा व्यंजन दिखाई पड़ रहा है, उसके स्थान पर तवर्ग का पहला वर्ण कर सकते हैं यदि वह अंत में आ रहा हो तो, ठीक, वावसाने, तो कतरत कतरद ये दो रूप बन जाएगा, ये देख लीजिए यहां लिखा हुआ है, बन गया कतरत कतरद। अब औ प्रत्यय लगा तब क्या होगा, यहां कतरत कतरद बन गया है, औ प्रत्यय लगाते लगाते बना लेते हैं, कहां गया, यहां पर आ जाओ प्रभु,
चेंज। कतर के बाद प्रत्यय कौन सा लगा? औ, नपुंसक लिंग है इसलिए औ के स्थान पर हो जाएगा शी। शी में से बचेगा क्या? ई। बाकी भासंज्ञा करके जैसे तीच से लोप प्राप्त करा दीजिएगा, उसका आऊंगा श्याम प्रतिषेधो वाच्य से प्रतिषेध हो जाएगा। कतर में अ ई इन दोनों का गुण होकर बन जाएगा कतरे। तो कतरत कतरत कतरद कतरत कतरे, फिर आगे कतराणी बनाएंगे। चलिए कतराणी बनाते हैं। कतर जस या शस दोनों एक साथ हम देखेंगे। जस शसो शी, नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले जस और शस के स्थान पर शी हो जाया करता है। शी में से बचता है क्या? ए प्रभु लिखो ई। शी में से ई बचता है, कतर ई। शी सर्वनाम स्थानम से यह शी को सर्वनाम स्थान कहा जाएगा। और सर्वनाम स्थाने नहीं, पहले वो नियम लगेगा नपुंसकस्य झलचः। नपुंसक लिंग शब्द है, झलंत या अजंत है, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ वो सर्वनाम स्थान, तो उस झलंत अजंत नपुंसक लिंग को नुम का आगम हो जाता है। नुम में से बचता है क्या? न। तब कतर जो था वह कतरन बन गया, कतरन। ठीक, नकारांत हो गया। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबुद्धि से भिन्न, संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो तो, यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न कोई सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो तो नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाता है। कतरान ई, कतरानी। ठीक, स्पष्ट है, कतरानी। और र के बाद न आ रहा है, अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम का व्यवधान है, अट का ही व्यवधान है, इसलिए न कोणा भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यह कतरान जो था वह कतराण हो जाएगा और ई जुड़ जाएगा, कतराणी बन जाएगा। तो कतरद कतरत कतरे कतराणी। फिर द्वितीय में भी अम था तो भी अदड दतरादिभ्य पंचभ्य लगेगा ही, कतरत कतरद कतरे कतराणी द्वितीय में भी हो जाएगा। संबोधन में भी कतरत हे कतरत हे कतरद हे कतरे हे कतराणी। स्पष्ट है, प्रथमा द्वितीय संबोधन तीनों में एक जैसा बन जाएगा। संबोधन में भी कतरद इसलिए बनेगा क्योंकि अद्यतरादिभ्य पंचभ्य तो लगेगा ही, वो लगेगा तो कतरद ही बनेगा। स्पष्ट है। अब फिर इसके बाद कतर शब्द के बाद आगे कर हो गए, तो कतर शब्द है, इसके बाद आगे अभी इसी तरह देख लीजिए, कतमत कतमद कतमे कतमानी। हाँ, यहाँ कतराणी हो गया, वहां कतमानी रह जाएगा क्योंकि र नहीं है ना इसमें। ठीक, उसी तरह अन्यत अन्यद अन्यद अन्यत दो बनेगा ना, अन्यत अन्यद अन्य अन्यानी। ठीक, तो इसी के बाद हाँ आगे क्या है, अन्यतरत अन्यतरद अन्यतरे अन्यतराणी। स्पष्ट है, इतरत इतरद इतरे इतराणी, यहां न कोणा हो जाएगा इतने सब जगह पे। ठीक है, तो अब इतनी स्पष्टता है। तृतीय विभक्ति में कतर टा तांग सिंह सामीनाथ स्याह से टा के जगह पे हो जाएगा इन, कतर इन, आ को गुण करेंगे आ ई को कतरेन, न कोणा कर देंगे कतरेण हो जाएगा। उसी तरह कतमेन अन्येन और अन्यतरेण इतरेण, बाकी पुल्लिंग में जैसा बनाए थे वैसे का वैसा बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बवाल नहीं है। खाली रूप बोल जाऊं चलेगा ना, जिस रूप में दिक्कत हो बता दीजिएगा, बता देंगे। तो कतराभ्याम रामाभ्याम की तरह सुपिच्छा से दीर्घ करिएगा, कतमाभ्याम अन्यतराभ्याम अन्यतमाभ्याम नहीं अन्यतमाभ्याम नहीं है इतराभ्याम अन्य इतर 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 है इतराभ्याम। उसी तरह हाँ कतरई कतरई कतमई अन्यई अन्यतरई इतरई, अतो भी ऐस नियम लग जाएगा। फिर कतरा कतराय नहीं होगा, कतरस्मई सर्वनामना स्मई सर्व शब्द की तरह, कतरस्मई कतमस्मई अन्यस्मई और अन्यतरस्मई इतरस्मई। ठीक है, स्पष्ट है। फिर कतराभ्याम अन्यतराभ्याम
इतराभ्याम, अन्याभ्याम, कतमाभ्याम, ये सब कुछ बना लीजिएगा, ठीक है। क्रम हम व्युत्क्रम कर रहे हैं इधर उधर। फिर उसके बाद कतम हो गया, इतर, फिर उसके बाद भ्याम भ्यस, कतरेभ्य कतमेभ्य अन्येभ्य अन्यतरेभ्य इतरेभ्य, भ्यस जोड़ने पर बहुवचने झल्लिए नियम लग जाएगा। फिर उसी तरह कतरस्मात् कतमस्मात् अन्यस्मात् अन्यतरस्मात् इतरस्मात्, और त वाला द वाला दोनों रूप मिलेगा, कतरस्माद भी मिलेगा कतरस्मात् भी मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, घसिंग्योह स्मात् स्विनौ नियम लग जाएगा, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा है ही इसलिए। फिर उसके बाद स्मागी हो गया, फिर भ्याम भ्यास हो ही जाएगा, स्य लगेगा, घस लगेगा तो स्या हो जाएगा कतरस्य, घस के स्थान पर स्या ही होता है, टांग सिंह स्वामीनाथ स्याह, तो कतरस्य कतमस्य अन्यस्य अन्यतरस्य इतरस्य, ठीक हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, हाँ, उस कतरयोह उसी च लगाइएगा, कतरयोह कतमयोह अन्ययोह अन्यतरयोह इतरयोह, ठीक। इसके बाद देखिएगा, उस आम कतरेशाम, आमी सर्वनाम ना सुट, सुट होगा तो साम साम बन जाएगा, सुट होने पर साम बन जाएगा और बहुवचने झल्लेत लगकर ए हो जाएगा, कतरे कतमे कतमे साम कतरे साम ऐसा होगा, और फिर दंत को मूर्धन्य ष कर दिया जाएगा, कतरे शाम कतमे शाम अन्य शाम अन्यतरे शाम इतरे शाम बन जाएगा। फिर गी गी लगेगा तो घसिंग यो स्मात् स्मिनौ, गी के स्थान पर स्मिन हो जाएगा, तो कतरस्मिन कतमस्मिन अन्यस्मिन अन्यतरस्मिन इतरस्मिन, ठीक। फिर आगे क्या है, हाँ, उस और सुप लगाकर कतरयोह कतमयोह अन्ययोह अन्यतरयोह इतरयोह, ठीक। सुप लगाएंगे तो कतरेषु बहुवचने झल्लेत तो लगेगा ही, कतरेषु कतमेषु अन्येषु अन्यतरेषु इतरेषु हो जाएगा, स्पष्ट है। तो यहां तक पहुंच ही गए हैं, आगे देख लेते हैं। यहां अन्यतरत अन्यतमस्य, हाँ, अन्यतमस्य त्वन्यतमम इत्येव, अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव। अच्छा, अन्य अन्यतर इतर त्वत्तम ये सब शब्द दिए गए थे ना, पर मान लीजिए अन्यतर शब्द, अन्यतर शब्द तो ले लिया, अन्यतरत बन गया, पर यदि यही अन्यतमत अन्यतम शब्द होता तो अन्यतम शब्द डतर इत्यादि पांच शब्दों में नहीं है, है ना। अद्ड दतरादिभ्य पंचभ्य, वह जो डत पंच, वह जो सु और अम के स्थान पर अद्ड करेगा, कतरत कतरद कतरत बनाएगा, कतमत बनाएगा, अन्यत बनाएगा, अन्यतरत बनाएगा और इतरत बनाएगा, यह केवल कतर कतम अन्य अन्यतर इतर ये पांचे शब्दों को बनाएगा, अन्यतम को तो नहीं बनाएगा। तो वही कह रहे हैं, देख लीजिए यहां क्या कहा, कतरत कतरद कतरे कतराणी, हे कतरत, शेष बाकी सब पुंवत, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह रहेगा, इसी तरह कतमत, इसी तरह इतरत, इसी तरह अन्यत, इसी तरह अन्यतरत, ठीक। अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव, अन्यतम शब्द होता तो अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमत नहीं हो पाता, अन्यतम शब्द का तो अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि, अन्यतमेन अन्यतमाभ्याम इत्यादि चल जाएगा। तो वही कह रहे अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव, अन्यतम शब्द का तो अन्यतमम यही रूप बनेगा। अब चलिए, एकतरात प्रतिषेधो वा, क्या है, एकतरात प्रतिषेधो वक्तव्यः, एकतर शब्द से, यहां दो नंबर पर क्या लिखे हैं, एकतर शब्द से प्रतिषेध हो जाएगा। अब देखिए, डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत, नहीं
खाली इतना ही था, कतर कतम डन अन्य अन्यतर इतर, ठीक। तो अन्य अन्यतर और इतर से तो हमको लेना नहीं देना नहीं है। एक शब्द से, कौन से एक शब्द से भी एकतर रूप बन जाता है कतर प्रत्यय लगकर, मान लीजिए, ठीक। तो यह एकतर शब्द बन गया कतर प्रत्ययांत, एकतर कतर प्रत्ययांत शब्द बन गया। तो कतर उसमें डतर इत्यादि पांच में आ गया, है कि नहीं? कतर प्रत्यय, सॉरी कह रहे हैं डतर प्रत्यय कतर शब्द चल रहा था, ई का हो गया। हाँ, एक शब्द से डतर प्रत्यय लगकर एकतर बन गया, क्या बन गया? एक डतर बन जाएगा एकतर, ठीक। एक और डतर एकतर, ठीक। एक डतर एकतर बन गया, तो उस एकतर शब्द को जब पंचमी सुप्रत्यय लगाएंगे तो देखिए, एकतर सु, एकतर के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया? सु या फिर अम, ये दोनों में से कोई एक लगा दिया, एकतर में से सु या अम लगा दिया, एकतर बन गया। आगे देखिए यहां होगा क्या, अद्दतरा, पहले तो समोर नपुंसकात आएगा, कहेगा पूरा सु और अम को शहीद कर दो, लेकिन तभी अतोम आएगा, कहेगा इस सु के स्थान पर अम के स्थान पर अम कर डालो, लेकिन उसके बाद आएगा अद्दतरादिभ्य पंचभ्य डतर इत्यादि प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, डतर डतम प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, या कतर अन्य अन्यतर इतर, ये तीन शब्द हो, तो इन सभी शब्दों के बाद आने वाले सु और अम के स्थान पर अद्ड हो जाता है, ऐसा होने लगा, तभी अन्यतरात प्रति एक तरात प्रतिषेध हो वक्तव्य, एकतर शब्द से ये अद्डतरादिभ्य पंचभ्य का निषेध हो जाया करता। तो एकधर शब्द के बाद आने वाले सु और अम को अद्ड नहीं हो पाएगा, भले ही वह डतर प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, भले ही वह डतर प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, फिर भी वहां उसके बाद अड्ड अड्ड नहीं होगा, सु और अम के स्थान पर अम ही होगा, और अतोम सूत्र से। तो एकतरम एकतरे एकतराणि, एकतरम एकतरे एकतराणि, एकतरेण एकतराभ्याम एकतरैः, एकतराय एकतराभ्याम, एकतराय एकतरस्मै, एकतरस्मै रहेगा, एक तरस्मयी एक तराभ्याम एक तरेभ्य, एक तरस्मात एक तरस्मा, एक तरस्मात एक तराभ्याम एक तरेभ्य, एक तरस्य एक तरयो एक तरेशाम, एक तरस्मिन एक तरयो एक तरेशु, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक। एक तर शब्द का सर्व की तरह ही बन जाएगा नपुंसक लिंग में, स्पष्ट है। अब आ जाइए, अकारांत ह्रस्व अकारांत जितने भी शब्द थे वो सभी शब्द नपुंसक लिंग में हो गए खत्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र आ रहा है दीर्घ आकारांत, कितना आसान है नपुंसक लिंग शब्द, आप देखते जाइए। अगर पुल्लिंग आ रहा है तब जैसे आपने पुल्लिंग में एक विशेष शब्द देखा था, कौन सा? विश्वपा। उसी तरह श्रियम पातीति श्रीपा, है ना, बनता कि नहीं पुल्लिंग में? पर विश्वपा की तरह श्रीपा शब्द है, मान लीजिए श्रीपा, इसको नपुंसक लिंग में ले जाना है यदि, तो कोई ऐसा श्री का अर्थ केवल लक्ष्मी ही थोड़े ना है, है कि नहीं? श्री का अर्थ केवल लक्ष्मी थोड़े ना है, श्री का अर्थ धन भी है, शोभा भी है। तो श्री का पालन या रक्षण करने वाला जो है, धन का पालन करने वाला, धन का रक्षण करने वाला, धन के रक्षण में हो सकता है कोनो कमरवे हो, कोनो ताला भी हो, तो वही श्रीपम हो सकता है, कोई कमरा ही श्रीपम हो सकता है कि नहीं? तो यहां बात क्या कह रहे हैं, श्रीपा जो शब्द बना, कौन सा शब्द बना? श्रीपा। यह श्रीपा ज्ञान शब्द की तरह हो जाएगा, कैसे भाई? श्रीपा शब्द जो है वह शब्द ज्ञान शब्द की तरह हो जाएगा, ऐसा कैसे? तो उसके लिए नियम यह है, ह्रस्व नपुंसके प्र,
प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में यदि प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण दीर्घ मिल रहा हो तो उसको ह्रस्व कर डालिए। बहुत आसान है, मतलब नपुंसक लिंग शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ मिल ही नहीं सकता, उसको ह्रस्व कर डालो। अच्छा, आप दीर्घ होता कौन है, तो दीर्घ स्वर वर्ण ही होते हैं ना, व्यंजन तो दीर्घ होते नहीं। तो अच्छा, एक बात और भी बता रहे हैं, प्रातिपदिकस्य ह्रस्व। प्रातिपदिकस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो षष्ठी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, षष्ठी इस प्रातिपदिकस्य षष्ठी निर्देश के द्वारा प्रातिपदिक के स्थान पर कुछ कार्य हो रहा है, तो क्या पूरे प्रातिपदिक के स्थान पर कुछ ह्रस्व हो जाएगा? नहीं, प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण के स्थान पर ह्रस्व होगा। ऐसा कौन बताएगा? अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्य आल आदेशस्य। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो आदेश किया जा रहा है वह अंतिम अल के स्थान पर, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो जो ह्रस्व हो रहा है कहां होगा? नपुंसक लिंग में होगा। किसको होगा? प्रातिपदिक को होगा, यानी प्रातिपदिक के स्थान पर होगा। क्या होगा? ह्रस्व हो जाएगा। अब ह्रस्व होगा कब? यदि ह्रस्व ही था तो उस पर उसको फिर ह्रस्व करने का कोई बहुत औचित्य दिखता नहीं। यदि दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर डालिए, दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर डालिए। पर तब आप समझ रहे होंगे कि भाई यह नियम तभी लगेगा जब शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और वह शब्द नपुंसक लिंग हो। नपुंसक लिंग में अच्छा वह दीर्घ होगा तब कौन सा वर्ण होगा? अच ही तो होगा, इसीलिए वृत्ति में खाली लिखा अजंतस्य इत्येव। अजंत शब्द का ही, अजंत शब्द का ही। ऐसा मत सोचने लगिएगा कि कोनो हलंत शब्द हमने ले लिया और हलंत शब्द हलंत नपुंसक लिंग में आएगा ही, है ना? तो हलंत शब्द को ही ले लिया मान लीजिए हमने, और उस हलंत शब्द के बीच में कोनो दीर्घ स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है उसको ह्रस्व कर डालें, ऐसा मत सोचिएगा। अजंतस्य इत्येव का उदाहरण देते हुए हो सकता है यहां दिया हो, नीचे हलंत का कोई उदाहरण दिया हो, देख लीजिए 3 नंबर कुछ दिया है, 2 के बाद 4 नपुंसके विद्यमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व है इत्यर्थ, खाली इतने लिखा बस, कोई उदाहरण नहीं दिया दीर्घ वाला, कोई दिक्कत नहीं, मतलब व्यंजनांत हलंत का कोई उदाहरण नहीं दिया। नपुंसक लिंग में विद्यमान जो अजंत शब्द है उस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो जाया करता है, यह तात्पर्य हुआ। ठीक है, अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? ह्रस्व। तो अंतिम वर्ण मान लीजिए श्रीपा शब्द था, कौन सा शब्द था? श्रीपा, नपुंसक लिंग में है मान लीजिए, तो क्या बन गया? श्रीपा का अंतिम वर्ण है दीर्घ, यह शब्द है नपुंसक लिंग में, प्रातिपदिक है कि नहीं? अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, पर यह तो कृदंत है इसलिए कृतद्वित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा मान लीजिए। ठीक, प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण दीर्घ है, दीर्घ है ना, तो दीर्घ होने के कारण ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से इस दीर्घ को आग, दीर्घ आ को ह्रस्व आ कर दिया, ह्रस्व अ श्रीप बन गया। अब यह ह्रस्व अकारांत शब्द हो गया, बाकी इसको ज्ञान की तरह चला लीजिए, खत्म। यानी आकारांत की वैरायटी ही खत्म हो गई। पुल्लिंग शब्दों में तो आप देख रहे थे, अजंत पुल्लिंग शब्दों में आपने कई प्रकार के हा हा श्री विश्वपा इत्यादि शब्द देखे थे ना, कुछ ऐसा होता था जहां धातु होता था, कुछ ऐसा जहां बिना धातु का था, है ना? तो यहां वैसा नहीं है, यहां आकारांत की सारी वैरायटी खत्म हो जाएगी नपुंसक लिंग में। क्यों? क्योंकि अंतिम वर्ण दीर्घ जो था वह ह्रस्व हो जाया करता है, और ह्रस्व हो जाएगा तो सीधी बात है ज्ञान की तरह चला लीजिए, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, और फिर श्रीपेण श्रीपाणाम, यही सब बनेगा। ठीक है, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपेण श्रीपाभ्याम श्रीपै, श्रीपाय श्रीपाभ्याम श्रीपै श्रीपेभ्य, है ना?
श्रीपाद श्रीपाद श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्या श्रीपस्य श्रीपयो श्रीपाणाम श्रीपे श्रीपयो श्रीपेशु। ठीक है, ह्रस्व अकारांत या दीर्घ आकारांत जितने प्रकार के थे वो सारे शब्द वो सब खत्म हो गए नपुंसक लिंग में। अब आ के बाद बारी किसकी आ गई, ई जिसके अंत में आता हो ऐसा शब्द यहां ले लिया वारी। इसका रूप बनाते हैं वारी शब्द सुप्रत्यय या अम्प्रत्यय दोनों एक साथ बनाएंगे नपुंसक लिंग में हम, क्योंकि नपुंसक लिंग में सु और अम विषयक नियम समान है। नपुंसक लिंग में यदि अम होना है तो दोनों के स्थान पर होगा अतोम सूत्र से, सु और अम दोनों के स्थान पर अम होता है। यदि लुक होना है तो भी दोनों के लुक होगा तो दोनों का होगा, अम होगा तो दोनों के स्थान पर होगा, है कि नहीं। और अद्ड एक और तीसरे प्रकार देखा था वो भी हो रहा था तो दोनों के स्थान पर हो रहा था, तो नपुंसक लिंग में दोनों को एक साथ देख लेते हैं। क्या नियम लगा, नियम लगा आपको दिखाई पड़ रहा है समोर नपुंसकात सात एक तेईस नंबर का यह सूत्र कहेगा कि इससे पहले आ रहा होगा लुक का षड्भ्यो लुक, कल बताया था ना षड्भ्यो लुक सूत्र से लुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो नपुंसकात यानी नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले समोह सु और अम का लुक हो जाता है। आप कहेंगे कि अभी तक हम बहुत सारे शब्द पढ़ रहे थे, वहां कहीं तो नहीं हुआ, अब ये नया नियम काहे बताने आ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि ये सामान्य नियम था, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सब विशेष नियम थे, ये सामान्य है। इसने पहला, ये पहले का सूत्र है, देख लीजिए 7.1.23 है, बाकी दो सूत्र जो आप पढ़ चुके हैं अम करने वाला अतोम वो 24 नंबर सूत्र था, और अदरादिभ्य पंचभ्य जो आप पढ़ चुके हैं वह 25 नंबर सूत्र था, है ना। तो यानी बाद के दो सूत्र पढ़ चुके हैं, पहले वाला नियम तो आपने पढ़ा ही नहीं, यह पहले का नियम है। यह कहता है नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले सु और अम लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन दोनों का क्या हो जाता है लुक। परंतु ध्यान दीजिएगा कि अतोम यदि ह्रस्व अकारांत नपुंसक लिंग है तब लुक नहीं होता, अम हो जाता है। और उन अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में भी यदि डतर इत्यादि पांच हैं तो अम नहीं होगा, अद्ड हो जाएगा। ये दो नियम तो बाद वाले आप पढ़ चुके हैं, बाकी अकारांत और डतर इत्यादि जो पांच हैं उनको छोड़कर जितने भी नपुंसक लिंग शब्द हैं उन सभी नपुंसक लिंगो शब्दों से यह नियम लगेगा। तो यानी अब उन दोनों का क्षेत्रफल खत्म, उन दोनों का क्षेत्र खत्म, समोर नपुंसकात का अब शुरू हो गया, अतोम और अदरादिभ्य पंचभ्य यह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अकारांत शब्द से ही वह लगता है, रस अकारांत शब्द है तो इस नियम को रोक कर वह लगा था। पहले समोर नपुंसकात ही लग रहा था, इसको रोक कर अतोम हुआ, पहले समोर नपुंसकात ही लग रहा था अतोम, फिर उसको रोक करके अतोम हुआ, उसको रोक करके अदरादिभ्य पंचभ्य हुआ, है ना। तो अब यहां पर वारी शब्द के बाद सु और अम है तो यहां अतोम नहीं लग पा रहा है क्योंकि अकारांत शब्द नहीं है, है ना। अदरादिभ्य पंचभ्य नहीं लग पा रहा है क्योंकि डतर इत्यादि पांच है नहीं, तो इसलिए समोर नपुंसकात को मौका मिल जाएगा, तो समोर नपुंसकात सु और अम दोनों को खत्म कर देगा, बन गया वारी। वारी शब्द था, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन गया वारी, खाली है सु और अम आए पद बनाने के लिए, आए और गए, आया राम गया राम की तरह, जैसे क्रिकेट में आते हैं ना कभी कभी कोई आते हैं जीरो बना के चले जाते आए एक विकेट दिखाने आए, तो वैसे यहां कुछ दिखाए, मतलब वह अपना कोई विशेष केवल पद निष्पादन रूपी कार्य करके गए, बाकी कुछ नहीं। तो वारी हो गया, प्रथमा में भी द्वितीया में भी, संबोधन में कुछ बात है, संबोधन में जो कुछ बात है उसको अभी चर्चा करते हैं, पर संबोधन से पहले
अद्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यादि को देख रहे थे, पर अभी औ जस बाकी है ना, औ प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? औ। कौन सा नियम लगेगा यहां पर औ लगने के बाद? वारी औ। ज्ञान औ में क्या किया था आपने अभी तक? हैं? नपुंसकाच्च लगाइए ना प्रभु, नपुंसकाच्च लगाइए, तो क्या हो गया? वारी फी। यह औ चाहे आउट हो, चाहे संबोधन वाला औ हो, चाहे प्रथमा वाला औ हो, तीनों एक साथ हम देख रहे हैं। ठीक, औ के स्थान पर नपुंसकाच्च सूत्र से शी हो जाएगा। शी होगा तो शी में लशक को तद्धिते सूत्र से श की संज्ञा होकर तस्यलोपा से लोप होने पर ई बचेगा। अब कोई बहुत ज्यादा दिमाग जो संधि शुरुआती पढ़ा होगा वो कहेगा आकाश वर्ण ने दीर्घ से यहाँ दीर्घ कर डालो, आएगा ऐसा कहने कहेगा कि भाई जरा यहाँ ई और ई दिखाई पड़ रहा है, दीर्घ कर डालो आकाश वर्ण दीर्घ, पर वो नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ और कुछ काम है, विभक्ति कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विभक्ति कार्य क्या है? वो ये कार्य करेगा, इकोची विभक्तौ, इकोची विभक्तौ। यह सूत्र ध्यान रखिएगा, यदि यह सूत्र तब लगेगा जब शब्द का अंतिम वर्ण इक हो। क्या हो? शब्द का अंतिम वर्ण इक हो और उसके बाद लगा हुआ हो विभक्ति प्रत्यय, है ना। अच्छा, यहां पर देखिएगा नपुंसकस्य कहीं आ रहा होगा, नपुंसकस्य झलचा से नपुंसकस्य की अनुवृत्ति आ रही है और फिर उसके बाद इदितो नुम धातो से नुम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया खत्म, और बहुत ज्यादा अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं लग रही। नपुंसक लिंग शब्द हो, कैसा शब्द हो? नपुंसक लिंग शब्द हो, उसका अंतिम वर्ण हो इक। ये रहा नपुंसक लिंग शब्द, इसका अंतिम वर्ण ये रहा इक। ठीक, नपुंसक लिंग शब्द है, उसका अंतिम वर्ण इक है। अच्छा, उसके बाद जो विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो, ये विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं? सु औजस इत्यादि विभक्ति प्रत्यय है, उन्हीं के स्थान पर शी आया तो वो भी विभक्ति प्रत्यय है, स्थानिवद आदेशो नल विधौ। तो पर वह विभक्ति प्रत्यय कोई भी हो ऐसा नहीं, आची विभक्त हो। दो अगर समान विभक्ति वाले, सप्तमी विभक्ति वाले शब्द दो दो अगर किसी सूत्र में लगे हुए हो, किसी सूत्र में सप्तमी विभक्ति वाले सूत्र दो दो, दो सप्तमी विभक्ति वाले शब्द दो दो हो, तो एक का आदि अर्थ ले लिया जाएगा। यस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहणे, इस 33 नंबर की परिभाषेन्दु शेखर की परिभाषा के अनुसार। तो विशेष्य विशेषण वाचकयोः वाचक पदयोः उभयोः सप्तम्यन्तत्वे एव, ऐसा वहां पर परिभाषेन्दु शेखर की परिभाषा में वृत्ति में लिखा है कि जो विशेष और विशेषण दोनों वाचक शब्द हैं, दोनों सप्तम्यंत हो तो फिर तदादि विधि मान ली जाती है, यानी विभक्ति प्रत्यय अच, तो अच का मतलब अजादि विभक्ति प्रत्यय, ऐसा मान लिया जाएगा। विभक्ति कैसा प्रत्यय हो? उस विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, ठीक, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? इक। शब्द का अंतिम वर्ण हो इक, वह शब्द कैसा हो? नपुंसक लिंग। यहां देख लीजिए, शब्द का अंतिम वर्ण इक है, ये देख लीजिए शब्द का अंतिम वर्ण, सारे नियम लग रहे हैं कि नहीं? शब्द का अंतिम वर्ण इक है, शब्द नपुंसक लिंग है बिल्कुल, और शब्द के बाद अचि विभक्तौ, यानी विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण अच है, अचि भी है विभक्तौ, सारी बातें घटित हो रही हैं, तो ऐसे नपुंसक लिंग शब्द को नुम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नुम, नुम आगम कर दीजिए, हो जाएगा नुम, तो वारिन, वारी को नुम आगम होगा, नपुंसकस्य नुम कह रहा है ना, नपुंसक लिंग को नुम आगम कर रहा है ना, तो नपुंसक लिंग शब्द वारी है उसको नुम होगा। नुम आगम जिसको होता है, आप अभी कल के व्याख्यान में मिद चोन त्याद पर नियम पढ़े हैं कि मित आगम अंतिम स्वरवर्ण के बाद, यानी जिसको हो रहा है उसके अंतिम स्वरवर्ण के बाद नुम बैठ जाएगा,
हो जाएगा वारी नुम ई, वारी नुम ई। नुम में से बचता क्या है, न बचता है, ठीक, वारिन ई, वारिणी बन गया। आप कहेंगे भाई यहां भी, यहां भी क्या कहे, क्या कह रहे हैं, नकारांत शब्द हो गया, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धो लगाने चाहिए। हम कहेंगे भाई सर्वनाम स्थान तो है ये नहीं ना, हम कहेंगे सर्वनाम स्थान प्रत्यय तो है ही नहीं, सर्वनाम स्थान प्रत्यय होता तब तो आप सर्वनाम स्थाने लगाते, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धो, जब सर्वनाम स्थान प्रत्यय ही नहीं है तो कैसे सर्वनाम स्थाने चा समुद्धो लगाने लग जाएंगे। तो इसलिए वैसे का वैसा ही रह जाएगा, नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ नहीं हो पाएगा, वारिणी हो जाएगा। बना लीजिएगा, केवल आपको आगे क्या करना है, आगे इस नुम का जो ना है उस ना को अटकुप्पांग नुम व्यवायेपि सूत्र से अणा कर देना है, तो वारिण उसमें ई जुड़ जाएगा, ई बन जाएगा वारिणी, ये वाला ठीक, वारिणी बन गया। तो मतलब दुई पानी, दो गिलास पानी, वारिणी। फिर इसके बाद अब इसी वारी शब्द पर हम प्रत्यय लगाते हैं जस या शस, जस लगाएं या फिर शस लगाएं तो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग के, हाँ अस बचेगा वो कोई दिक्कत नहीं, नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले जस और शस के स्थान पर जस शशो सी से शी हो जाएगा, शी का बचेगा ई, शी का क्या बचेगा ई, वारी ई। अब यहां भी अगर सवर्ण मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि शी सर्वनाम स्थानम, शी जो है वह सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, शी कैसा है सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, और सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो नपुंसकस्य झलचह लगता है, ठीक, नपुंसकस्य झलचह लगता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब झलंत और अजंत, ये देखिए अजंत है, नपुंसक लिंग शब्द है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, है ना, वैसे एकोच विभक्त उसे सीधे कर सकते हैं, एकोच विभक्त उसे भी वही काम होना है, नुम इगंत शब्द है, विभक्ति प्रत्यय अज अच है ना, तो एकोच विभक्त उसे भी यद्यपि काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान रूपी निमित्त मिल रहा है, तो फिर आप नपुंसकस्य झलचह से करिए, ठीक है, तो नपुंसकस्य झलचह क्या कर देगा, यहां पर नुम कर देगा, जैसे ज्ञानन में किया था वैसे वारिन कर देगा, कर देगा। अब सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, यह नकारांत शब्द भी है, नकारांत शब्द हो उसके बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाया करता, उपधा में जो री था ई वह री हो गया, मतलब ई दीर्घ हो गया, तो वारिन बन गया वारीन, है कि नहीं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो, संबुद्धि के यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो तो क्या हो जाता है, नकारांत शब्द की नांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो नांत की उपधा को हमने दीर्घ कर दिया, वारीन को वारीन बना दिया, और वारीन ई जोड़ करके बना लेंगे वारीणी, बना लेंगे ना वारीणी बन गया। तो अब इसमें पहले वारीणी था, अब फिर बाद में बना वारीणी, आप पहचानेंगे कैसे, खाली अंतर क्या है, वहां औ नपुंसकाच से ही हुआ, औ के स्थान पर शी होगा बड़ा वाला, जिसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, इसलिए उससे पहले आने वाले वारी शब्द के ई को दीर्घ नहीं हो पाएगा, वारीणी, शी का ई दीर्घ रहेगा, और जब शी का इस ह्रस्व रहेगा तो शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, इसलिए उपधा का ई दीर्घ हो जाएगा, रहेगा एक ही दीर्घ, द्विवचन में दूसरा वाला दीर्घ हो गया था, बहुवचन में तीसरा वाला, नहीं
द्विवचन में अंतिम वाला दीर्घ हुआ था, बहुवचन में दूसरा वाला दीर्घ। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। वारी वारिणी वारिणी, इगंत शब्द होना चाहिए, नपुंसक लिंग शब्द होना चाहिए, उसके बाद अजादि विभक्ति पर में हो तो नुम आगम हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। इगंतस्य क्लीबस्य नुम अचि विभक्तौ बन जाएगा वारिणी वारिणी। ठीक, अब यहां पर एक संबोधन वाली जो बात उठा रहे हैं, संबोधन वाली जो बात उठा रहे हैं उसको समझाने के लिए दो तीन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। दो तीन सूत्रों को आपको पहले बताना पड़ेगा, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम, फिर नलुमतांगस्य, और फिर यह भी बताना पड़ेगा कि नलुमतांगस्य ये जो विधान है ये थोड़ा अनित्य है, कहाँ कहाँ अनित्य है, एकाद उदाहरण भी बोलने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको अभी आज यहीं रोकते हैं, क्योंकि अभी इसके यहाँ समाप्त करने के बाद और अगली कक्षा शुरू होने से पहले कुछ और कार्य संपादित करना है, थोड़ा ज़्यादा खिंच जाएगा, इसलिए अभी यहीं रोकते हैं। और इसके बाद का विषय को, वारी शब्द के और रूपों को, अग्रिम व्याख्यान में देख लेंगे। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमो नमः। कुछ प्रश्न है? हाँ पूछो। हाँ हाँ नहीं, वो सु और अम की बात चल रहा है, सुप की बात नहीं चल रही। नहीं तो वह सु नहीं है, वह सुप है, वसु नहीं है, वह सुप है। वैसे तो वैसे और बहुत सारे जगहों पर समस्या आएगी। आम पर आप नुट का आगम करते हैं तो गेराम नद्याम निभ्या में जब ये के स्थान पर आम हो जाता है तो उसको नुट आगम काहे नहीं करते हैं? निर्दिश्य मानस से आदेशा भवन्ति ऐसा कुछ लगेगा तो वो यहां नहीं होगा, ये सु अलग है। ठीक है, चलेगा।